गंगा स्नान करने छोटी काशी अनूप शहर आए 5 श्रद्धालु गंगा में डूबे। गोताखोरों ने एक युवक सकुशल व एक महिला को गंभीर हालत में गंगा से निकाला। पीएसी के जवान और स्थानीय गोताखोर शेष लोगों की तलाश में जुटे हैं। बुलंदशहर डीएम सीपी सिंह और डीआईजी संतोष कुमार सिंह मौके पर। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। खोजबीन जारी। छोटी काशी कहे जाने वाले अनूप शहर घाट का मामला। अनूप शहर से पवन कंवल न्यूज लाइव के लिए गोल्डी शर्मा की खास रिपोर्ट। आज अलीगढ़ जनपद के डेटा जलालपुर गांव के पिसावा थाने के मुंडन कराने के लिए लोग आए हुए थे और आते वक्त 5 लोग डूब गए हैं, जिनमें 3 महिला हैं और 2 पुरुष हैं। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम सभी जानते हैं गंगा माँ है और इनको उसमें इनके श्रद्धालु आते हैं स्नान करने, अपने कर्मकांड करने। दुर्घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, यहाँ लोकल गोताखोर बुलाए गए हैं और यहाँ जो तैराक हैं वो लगे हुए हैं। दो लोगों की डेड बॉडी हम लोग को मिली है। अभी 3 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और पूरा प्रयास है, सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों को राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दिए और हम और डीआईजी साहब दोनों मौके पर हैं। पूरी हमारे एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, थाने के इंस्पेक्टर या जितने भी लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं सारे लोग मौके पर हैं और पूरे परिवार के साथ पूरी संवेदना है और हम लोग यही प्रयास रहता है कोई घटना दुर्घटना ना घटे, क्योंकि जो घोषित स्नान होते हैं उनमें तो सारी व्यवस्था कराई जाती है। और चूंकि ये लगातार लोग यहाँ आते हैं, छोटी काशी बोलते हैं अनूप शहर को, यहाँ स्नान करने लोग आते हैं, घाट भी बने हुए हैं। और अब की आप देख रहे हैं गंगा जी ने अपना जो धारा है वो काफी मोड़ दी है, तो प्रयास यही रहता है कि बचाव कार्य हो, लेकिन दुर्घटना घटी है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर अभी तक पुष्टि 2 लोगों की है, 2 की मौत हो चुकी है। 2 लोगों के जो बॉडी है वो मिली है, जिनके बारे में डॉक्टरों ने बताया कि अब मृत है।